छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों के लिए आम चुनाव दिसंबर में होना तय है, जिसके लिए प्रशासनिक तैयारियों के साथ ही राजनीतिक दलों ने भी अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश में 13 नगर निगम और 44 नगर पालिका हैं जिनमें चुनाव होना है। निगम क्षेत्र में महापौर, नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए अध्यक्ष पद पर आरक्षण की कार्यवाही पूरी हो चुकी है, जिसके बाद से ही चुनाव लड़ने के लिए दावेदारों ने जोर आजमाइश भी शुरू कर दिया है। नेताओं की सक्रियता से पार्टी मुख्यालयों में बैठकों का दौर भी जारी है। इस बार निकाय चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के अलावा तीसरी पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ भी अपनी प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारेगी। इस दृष्टिकोण से प्रदेश में निकाय चुनाव त्रिकोणी होगा। प्रदेश की राजधानी में महापौर का सीट सामान्य घोषित हुआ है, जिसके लिए जोड़ तोड़ अभी से शुरू हो गई है। कांग्रेस में महापौर के लिए फहरिस्त काफ़ी लंबी है, यहाँ तक कि अब तो नेता दिल्ली दरबार की दौड़ भी लगा रहे हैं ताकि टिकट मिल जाए। कांग्रेस की लिस्ट में नए चेहरे के तौर पर अजीत कुकरेजा, एजाज ढेबर का नाम सबसे आगे है। वहीं आकाश शर्मा, विकास तिवारी, कन्हैया अग्रवाल, श्रीकुमार मेनन, सतनाम पनाग, सुमित दास, गिरीश दुबे, संजीव शुक्ला ने भी दावेदारी की है। इसके साथ ही वरिष्ठों में रमेश वरलियानी, पूर्व महापौर किरणमयी नायक और वर्तमान महापौर प्रमोद दुबे ने भी तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के चलते प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव में जीत दोहराने की बात कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस के महामंत्री शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को लेकर हम आम मतदाताओं के बीच जाएंगे और हमारी जीत होगी। 2014 में नगरीय निकाय चुनावों में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली थी और 2019 में कांग्रेस फिर से जीतेगी। 2014 में तो हम विपक्ष में थे, अब तो हमारे पक्ष में सरकार के बहुत सारे काम हैं। जिस तरीके से गुमाश्ता एक्ट के रिन्यूअल से छूट दी गई है व्यापारी समाज को, जिस तरीके से उद्योग व्यापार व्यवसाय छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की नीतियों के कारण तरक्की कर रहा है, जिस तरीके से 2000 फुट के छोटे प्लाटों में निर्माण हो रहा है, उनकी रजिस्ट्री की छूट दी गई है, इन सारी बातों का लाभ कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में मिलेगा। वहीं निकाय चुनाव में दो बार से पिछड़ रही भाजपा ने इस बार निकाय चुनाव में पूरे प्रदेश में बहुमत से जीतने की तैयारी में जुट गई है। भाजपा में भी निकाय चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की सूची लंबी दिखाई दे रही है। राजधानी से महापौर पद के दावेदार के रूप में पूर्व मंत्री राजेश मूणत प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। वहीं संजय श्रीवास्तव, सुभाष तिवारी, प्रफुल्ल विश्वकर्मा, छगन मुंदड़ा, मीनल चौबे, सूर्यकांत राठौर और रमेश ठाकुर के नाम भी सूची में शामिल हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने ने कहा कि जीतने वाले प्रत्याशी पर संगठन की नज़र होगी ताकि इस बार निगम में भाजपा की सत्ता हो, जिसकी तैयारी में भाजपा पीछे नहीं है। आरक्षण के बाद सामान्यतः जो जिस वर्ग के लिए आरक्षण हुआ है उस वर्ग के कार्यकर्ता जो अपनी अपनी दावेदारी निश्चित रूप से करेंगे, सक्रियता बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी इस दिशा में और किस कार्यकर्ता को महापौर और नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में प्रत्याशी बनाना है उसकी कवायद संगठनात्मक रूप से संगठन स्तर पर सभी नेता करेंगे। भाजपा और कांग्रेस से इतर इस बार तीसरी शक्ति के रूप में स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में उतर रही है। जनता कांग्रेस ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी है। राजधानी के मेयर के लिए सबसे प्रमुख नाम योगी कांग्रेस से ऋचा जोगी का नाम उभर रहा है। इसके अलावा अन्य चेहरे भी हैं जो तैयारी में जुटे हुए हैं। योगी कांग्रेस के प्रवक्ता भगवानु नायक ने कहा कि स्थानीय पार्टी होने के नाते आम लोगों का झुकाव जनता कांग्रेस की ओर है, इसलिए इस बार प्रदेश में जनता कांग्रेस के उम्मीदवारों की जीत होना सुनिश्चित है। साथ ही प्रत्याशियों की सूची पर कहा कि अंतिम मुहर पार्टी सुप्रीमो अजीत जोगी ही लगाएंगे। देखिए, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत ही जोश और उमंग है। इसका कारण यह है कि यह स्थानीय चुनाव है और स्थानीय मुद्दों पर लड़ी जाती है। चूंकि हमारी जो पार्टी है वो क्षेत्रीयता के आधार पर गठित हुई है और छत्तीसगढ़ प्रथम के सिद्धांत पर हमारी पार्टी काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने नकार चुका है। अब ये नगरीय निकाय जो चुनाव है इस पर हम पूरे दमदारी के साथ सामने आ रहे हैं और एक अच्छा रिजल्ट हम लेकर के आएंगे और छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा में हमारी पार्टी की बहुत बड़ी भूमिका लगेगी रहेगी और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और अपने स्तर पर जो है इसकी तैयारी हम चालू कर दी है।
देखिए अभी तो ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि ये पूरा जो तय करना है हमारे पार्टी की सुप्रीमो माननीय जी, जो कि हमारी कोर कमेटी बनी हुई है इसके लिए, और इसमें ऐसे लोगों को टिकट दी जाएगी जो जीतने के लायक होंगे, जो जमीन से जुड़े हुए हैं। राजधानी रायपुर की बात की जाए तो आम लोगों की सबसे ज्यादा रुचि अपने अगले महापौर को लेकर सबसे ज्यादा है। वहीं राजनीतिक दल भी जिताऊ प्रत्याशी को लेकर मंथन करना शुरू कर दिया है। ऐसे में देखना होगा कि महापौर के चुनाव में कौन किसके सामने बाजी मारने सफल हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।